माता है, देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है। मेरा ये कहना है नगर परिषद की, आज नंदी गौशाला को 25 दिन हो गए, बाकी नगर परिषद की मानसिकता ही नहीं है कि यहाँ पे नंदी गौशाला खुले। वो या तो किसी व्यक्ति विशेष से चल रहे हैं या उनकी मानसिकता नहीं है, ये तो उनके पास हमारे लोकप्रिय विधायक यहाँ आए थे अभी, उन्होंने फ़ोन से बात की, उनसे कहा कि मैं बाहर हूँ तो आ जाएंगे। फिर वो कहते हैं टेंडर प्रक्रिया हो गई तो वर्क ऑर्डर हो गए, वर्क ऑर्डर भूमि पूजन कर दो। भूमि पूजन नहीं करना चाहते हो आप, इसका मतलब ये तो आप दुलमिल नीति अपना रहे हैं और एन केन प्रकरण किसी प्रकार से या तो आचार संहिता लगवाने की ये कर रहे हैं, आचार संहिता जाए, या इनके पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो तीज मेले में ये सपना चौधरी वगैरह जो भी है, तारक मेहता का जो भी है, ये आ जाए, ये इनके लिए तो पैसा है, बाकी गौशाला के लिए गौ माता के लिए इनका पैसा नहीं है। क्यों, इनकी मानसिकता ही नहीं कि गौ माता क्या है, क्या चीज़ है। अगर इनकी ये गौ माता को समझें तो ये इतने दिन धरने चलने की आवश्यकता ही नहीं है। ये धरना मात्र 2 दिन चल सकता था, चाहे तो इनकी मानसिकता नहीं, लेकिन ये व्यक्ति विशेष को ही भला करता है। आज रक्षाबंधन का महापर्व है और महापर्व के अवसर पर जो लोग करने पर बैठे हैं और यहाँ पर लगातार नगर परिषद मुर्दाबाद सभापति मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, फिर भी वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे, क्या कारण? कारण यही है कि ये नगर परिषद में तो सभापति जी की इच्छा ही नहीं है, और चाहे रक्षाबंधन हो चाहे होली दीपावली हो, इनको क्या लेना देना भारतीय त्यौहार से। अभी वर्तमान में ही कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में 1 करोड़ रुपए का इन्होंने बजट दिया है, वो माता के लिए क्या करेंगे? आइए नहीं देंगे ना, ये व्यक्ति विशेष समुदाय को देंगे या हिंदू समुदाय को नहीं देंगे कुछ भी, ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। वर्तमान में जो बेटे हैं हिंदू समाज से, हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से आते हैं, हिंदू धर्म से आते हैं, बाकी इनकी जो पार्टी है ना उनको उनके हिसाब से चल रहे हैं, तो ये हिंदू धर्म को महत्व नहीं देंगे, ये व्यक्ति विशेष को ही देंगे या समुदाय को देंगे। राजनीतिक तुष्टिकरण की शिकार हो रही है गौ माता। हाँ, राजनीतिक तुष्टिकरण की शिकार है गौ माता, यही कारण। आपका नाम? मोहनलाल कराट, भारतीय जनता पार्टी शहर महामंत्री। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक गौ माता के लिए 25 दिन से संघर्ष करके यहाँ बैठे हैं, जबकि उनको जगह भी मिली हुई है, एलोट हो रही है, प्रशासन से फंड भी आ गया होगा जहाँ तक मेरा आइडिया है, मेरे को इतना पता नहीं है, तो उसको खर्च करने में क्या जा रहा है, ताकि ये ठोकरे नहीं गए, आए दिन दुर्घटना नहीं हो। कहीं कहीं नंदी साला पेपर में आता है कि नंदी ने फोटो उलट दिया, किसी बुजुर्ग की खुली तोड़ दी, तो कम से कम जनता को इस समस्या से निजात मिल सकती है अगर नंदीशाला का निर्माण हो जाए तो। अगर प्रशासन सक्षम है, नहीं करा सकता, तो इसको सार्वजनिक संस्था को देना चाहिए,
ताकि वो अपने स्थान से वहाँ ले जाके काम कर सके। आज ये तो मान लो हॉस्पिटल में जगह है, बूंदी हॉस्पिटल में, नहीं तो कोई किराया का भाड़ा लेना पड़े नंदी साला। आज ये कब से सेवा कर रहे हैं, कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है, डॉक्टर को पेमेंट मिलता है कोई मतलब नहीं है, पेमेंट आता है लेके घर पे चले जाते हैं, कितनी दवाएं फ्री में आती है, खासकर दवाएं गाय को लेके आता है, पर्ची मार देते हैं, पता ही नहीं है कौन सी दवाई फ्री में आ रही है कौन सी नहीं आ रही। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान भी मतलब दवाएं वितरण करना चाहिए और नदीशाला का निर्माण कराना चाहिए ताकि मतलब वो माता सुरक्षित हो सके, पब्लिक दुर्घटना से बच सके। कई मतलब ऐसे परिवार की कुलें टूट गई जिसका इलाज वो नहीं करा सकता, जिसका मतलब परिवार का पालन पोषण करने के लिए घर से निकलता है, रास्ते में उसके गाय मार देती है, सांड मार देता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ टूट जाता है, हाथ लेके जाता है, परिवार को खिलाएगा हाथ को पालेगा। तो प्रशासन को यही में इच्छा है कि मतलब इस पर ध्यान देना चाहिए। 25 दिन क्यों लगना चाहिए, इनको संघर्ष क्यों करना चाहिए, इनकी रूपरेखा देखते हुए तो इनको तो धरने भी नहीं बैठना चाहिए, सरकार को बैठने नहीं देना चाहिए ताकि मतलब ये जनता जनार्दन भी इनकी पोल पट्टी सामने आए। ऐसा क्यों होना चाहिए, इनके कैरेक्टर पर भी फर्क पड़ रहा है कि आज एक सभापति होते हुए भी मतलब इनकी मांगे स्वीकार नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, सब होना चाहिए, सबको सहयोग करना चाहिए। आज घर में किसी चीज़ की जरूरत पड़ जाए तो व्यवस्था नहीं होती है, होती है कहीं से कर्ज लेके भी करने पड़ती है, तो इनको गवर्नमेंट को करना चाहिए और जब जगह मिल गई तो जगह का सदुपयोग करना चाहिए। आपने कहा कि कर्ज लेकर करना चाहिए, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि गौ माता के नाम पे सरकार स्टाम्प ड्यूटी और कई तरह के टैक्स लगाकर जनता से पैसा वसूल की थी, जीएसटी पैसा दे नहीं रही, इसका फंड भी आता है, इसके बावजूद भी ये नगर परिषद में निर्माण नहीं कर रहा। आम जनता को इसका कोई पता नहीं है, कितना फंड आ रहा है, बाबू का रहा है, गवर्नमेंट का रहे, सरकार है, अधिकारी का रहा है, किसी को पता नहीं है। हिंदुस्तान है इसमें जाति झेलने वाले लोग भाग, किसी को पता नहीं है कि मेरा टैक्स क्यों कट रहा है और ये इसका क्या उपयोग हो रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। सबके ऊपर टैक्स लग रहा है, स्टाम्प ड्यूटी पे लग रहा है, बदिरा पान पे लग रहा है, सब पे टैक्स कट कट के और गौ माता के नाम से जमा हो रहे हैं। इसका किसी को पता नहीं है कि मेरा जो टैक्स कटा वो गौ माता पे खर्च हो रहा है कि यह किसी की जेब में जा रहा है। नंदीशाला निर्माण नहीं हो तो ये जितने भी जानवर हैं इनको जो अधिकारी है उसके कार्यालय के सामने ले जाएंगे और वहीं इलाज करेंगे, सड़क पे वन साइड इकट्ठा करके और वहीं ड्रिप लगाएंगे, वहीं इनकी सेवा करेंगे, वहीं कीड़े निकालेंगे इनकी जानवरों के जो भी नंदीशाला डैमेज हो रहे हैं, गाय वाय वगैरह उनको वहाँ ले जाएंगे और वहाँ सेवा करेंगे या फिर जो भी काम होगा वो कर। आपका नाम और पता बताओ। मेरा नाम कुंजवैरी से नहीं, मैं करतूबज मंडी में टोल पट्टिया काम इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास, व चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।